जलने लगे अर्जुन, क्षोभ से जलने लगे, जलने लगे श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि करते हुए यह घोषणा हो गए उठकर खड़े, मतलब संसार देखेगा हमारे, संसार देखेगा हमारे, संसार देखेगा हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह युगल घोषणा, करते हुए यह युगल घोषणा हो गए उठकर खड़े, करते हुए यह युगल घोषणा हो गए उठकर खड़े, हो गए उठकर खड़े, उठ कर खड़े। मतलब दोस्तों यहाँ पर जब श्री कृष्ण भगवान उनको अर्जुन जी को आकर के बात बताते हैं कि अर्जुन तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ और उनको कायरों की सेना ने बहुत ही निर्लज्जता के साथ घेर करके मारा है, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, अब यह संसार देखेगा, यह संसार देखेगा कि जितने भी हमारे अब शत्रु हैं, अब मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, अब हमारे सारे शत्रु रण में मृत पड़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको इसका के माध्यम से समझ सकते हैं। और दूसरा, आप फिल्मों के माध्यम से, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि फिल्मों के मतलब इंटरेस्ट आपको पढ़ाऊंगा, तो फिल्मों के माध्यम से अगर आपको पढ़ाया जाए तो दोस्तों एक सनी देओल की एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था घायल, और उसमें सनी देओल ने एक डायलॉग की बोला था कात्या, उसमें उनका ये डायलॉग था कि तू कहे तो मैं भौंकूं, तू कहे तो मैं काटूं, अगर तुम्हें शेर बनने का इतना ही सहारा, शेर बनने का इतना ही शौक है तो इन कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे। ठीक है, तो उस समय सनी देओल जी का ये डायलॉग था, उस समय उन्होंने गुस्से से बोला था, क्रोध से बोला था। तो यहाँ पर जो है, जो बात आती है रौद्ररस की, तो रौद्ररस का होता है मतलब अस्थाई भाव। कहने का मतलब अगर इसको हम समझते हैं, अगर इसको हम समझते हैं, कहने का मतलब ये होता है रौद्ररस को, तो इसका मतलब होता है कि जब नायिका को छुड़ाने जाता है, जब नायक नायिका को छुड़ाने जाता है, और उस समय छुड़ाने जाता है, उस समय जो नायिका की दुर्दशा विलेन लोग किए रहते हैं, जो नायिका की दुर्दशा विलेन लोग किए रहते हैं, तो उस दुर्दशा पर जब वो नायक क्रोधित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, तो क्रोधित होने के बाद उसकी सारी घटनाएं जो होती हैं वो रौद्ररस के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं, नायक को छुड़ाने जाता है तो वहाँ की स्थिति देखकर उसको गुस्सा आता है, उसको गुस्सा आता है। ठीक है, तो वहाँ पर उसके मन में जो भाव जगते हैं और रौद्ररस होते हैं, या आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जब नायक को यह पता चलता है कि मेरे घर के सदस्यों को मारने वाला यही विलेन है, मेरे घर के सदस्यों को मारने वाला यही विलेन है, तो उस समय उनके मन में भी जो भाव आते हैं वह आप रौद्ररस कह सकते हैं। अर्थात इस प्रकार से जो हम गुस्से से काम करते हैं, अपने आपे से बाहर होकर के काम करते हैं, तो वहाँ पर रौद्ररस की बात कही जाती है, और रौद्ररस का स्थायी भाव होता है क्रोध। तो आई होप दोस्तों कि आपको इस रस समझ में आ गया होगा, और आप अभी तक जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और इससे आपको जो भी हमारे वीडियोस होंगे, जो भी हमारा नोटिफिकेशन होगा, वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और आप इसका बेनिफिट पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं अगले रस की। आपका अगला रस है भयानक रस, और भयानक रस की अगर बात की जाए तो भयानक रस का अस्थाई भाव होता है, भय, यानी कि जो आप
जो आपके मन में भय होता है, जो आपके मन में भय होता है वह अस्थाई भाव कहलाता है। जो आप किसी स्थिति को देखकर डरते हो, किसी परिस्थिति को देख करके डरते हो, जैसे अगर बात की जाए कि आप जंगल में जा रहे हो और जंगल में आप जा रहे हो और आपके सामने शेर आ गया, तो आप शेर को देख करके डर जाते हो, तो शेर को देख करके डरने के बाद आपके मन में जो भाव जगा कि अब तो शेर मुझको छोड़ने वाला नहीं है, अब तो शेर मुझको खा जाएगा, पक्का खा जाएगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं, तो वहां पर जो आपके मन में भाव जगेगा वो आपका भयानक रस होगा। भयानक रस का मतलब होता है डरना। जब कोई आपको डराए, फोन पे डराए, सामने फेस टू फेस आपको डराए, आप उसके बातों को सुन करके डर जाते हो, तो यहाँ पर कौन सा रस होता है? यहाँ पर होता है भय रस, यानी कि भयानक रस। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए दोस्तों, अगर इसका एग्जाम्पल समझा जाए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जंगल में जा रहे हो और शेर आपके सामने आ जाए, तो आप शेर को देख के डर जाते हो कि अब क्या होगा, अब तो मुझको छोड़ने वाला नहीं है, अब तो मुझे खा जाएगा, आज मेरी ज़िंदगी समाप्त होने वाली है, तो उस समय जो आपके मन में भाव जगता है वो आपका भयानक रस होता है। ठीक है, अगर इसको काव्य के माध्यम से समझा जाए तो दोस्तों, एक जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, और उन्होंने अपनी रचना में लिखा था, उधर गरजती सिंधु लहरियां, लहरियां कुटिल कुटिल काल के, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के ब्यालों सी, कुटिल काल के ब्यालों सी चली आ रही फेन उगलती, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए गालों सी। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, उन्होंने लिखा था कि उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के ब्यालों सी, मतलब कि गरजती यानी कि गर्जना करती हुई, गरजती का मतलब गर्जना करती हुई, सिंधु लहरियां यानी कि नदी जो है, सिंधु की नदी की जो लहरें हैं, इतनी तेज हमारी तरफ बढ़ रही हैं। मतलब एक गांव में, यहाँ पर कवि कल्पना कर रहा है कि जब एक गांव में बाढ़ आती है, जब गांव में बाढ़ आने की सूचना मिल जाती है गांव वालों को, और गांव वाले देखते हैं कि अब इस नदी के बाढ़ के काल में अब हम सारे लोग समा जाएंगे, इस गांव पूरा तबाह हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा था उत्तराखंड की त्रासदी हुई थी, तो उत्तराखंड की त्रासदी जो हुई थी तो उसमें क्या हुआ था कि सारे घर मकान और पेड़ पौधे और वहाँ की जो वस्तुएं थी सब मतलब नदी में बही जा रही थी, कितने व्यक्ति उसमें मर गए थे, कितने जानवर, कितने पशु, कितने पक्षी, मतलब कि कोई गिन नहीं सकता था जब उत्तराखंड की त्रासदी हुई थी। तो इस समय तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के व्यालों सी, मतलब जो सिंधु की लहरियाँ, जो सिंधु की लहरें हमारी तरफ जो बढ़ रही हैं, नदी की लहरें हमारी तरफ जो बढ़ रही हैं, अब इस लहरों में हम सभी समा जाएंगे, अब इसमें हम पूरा हमारे पूरे परिवार, हमारा पूरा गांव पूरा तबाह हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लिखा गया है आगे, चली आ रही फेन उगलती, चली आ रही फेन उगलती यानी कि फन फैलाए ब्यालों सी, आज हम इस नदी के गाल में, हम सभी लोग समा जाएंगे, हमारा पूरा अस्तित्व, हमारा पूरा गांव, हमारा पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इस नदी की स्थिति को देख करके, गांव वाले के मन में जो भाव जगता है, वहाँ पर कौन सा रस होता है, किस रस की हम बात करेंगे? वहाँ पर भयानक रस की बात करेंगे, भय रस की बात करेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ही था कि आपने शेर देखा, आपको शेर देख करके जो आपके मन में भाव जगता है, तो यहाँ पर जो शेर देख करके जो मन में भाव जगता है यानी कि जो आप डरते हैं, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? भयानक रस की बात होती है।
तो वहां पर जो आप डर जाते हैं वहां पर कौन सा रस होता है? भयानक रस की बात होती है, वहां पर भयानक रस होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आई होप कि आपको भयानक रस समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से मैंने आपको एक एक कण काव्य के माध्यम से भी और सॉन्ग्स के माध्यम से भी समझाने की चेष्टा की हुई है, तो आपने इसको अच्छे से समझा होगा भयानक रस की। अब बात करते हैं अगला रस, अगला रस जो आपका होता है उस अगले रस की हम बात करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अगले रस की, आपका अगला रस होता है विभत्स रस। विभत्स रस की अगर बात की जाए कि विभत्स रस का तात्पर्य क्या होता है, तो विभत्स रस की बात अगर करते हैं तो विभत्स रस का मतलब होता है घृणा करना, यानी कि आप किसी चीज़ को देख करके जब आप घृणा करते हो, ईर्ष्या करते हो, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? वहाँ पर विभत्स रस होता है। जैसे कि आप किसी मलिन व्यक्ति को देखते हो, कहीं आपके पास कोई मलिन व्यक्ति आ जाए, कोई गंदा व्यक्ति आ जाए भीख मांगने के लिए, उसके शरीर से उसके कपड़े से बदबू आ रही हो और वो बदबू आपसे असहनीय हो, आप उस बदबू को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उससे घृणा करते हो, आप उसको अपने पास से भगा देते हो या आप वहीं से हट जाते हो, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? वहाँ पर रस होता है विभत्स रस, यानी कि घृणा करना। जब आप किसी वस्तु के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति आप घृणा करते हो, तो घृणा करने का मतलब यानी कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से या स्थिति से या वस्तु से घृणा करता है, तो घृणा करने के बाद वहाँ पर जो रस होता है वहाँ पर होता है विभत्स रस, और उसका अस्थाई भाव होता है घृणा करना। विभत्स रस की अगर बात की जाए तो जैसे कि आप रास्ते से किसी रास्ते से जा रहे हैं और आप देखते हैं किसी रास्ते से आप जा रहे हैं और आप देखते हैं कि रास्ते के किनारे कोई जानवर मरा पड़ा है और उसको गली के कुत्ते और जंगली जानवर उसको नोच नोच के खा रहे हैं, तो आप उस स्थिति को देख करके आपके मन में एक घृणा भाव उत्पन्न होता है, मतलब आप वहाँ से भाग जाना चाहते हो, आप उस स्थिति को देखना नहीं चाहते हो, तो वहाँ पर कौन सा रस होगा? वहाँ पर विभत्स रस होगा। फॉर एग्जांपल अगर बात समझें तो एग्जांपल का मतलब सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, यानी कि सिर पर कौवा बैठा है, आँख कोई और निकाल के खा रहा है, खींचत जीभें सियार, यानी कि सियार जो है, सियार जो गीदड़ होता है वो जीभ को खींच रहा है खा रहा है, अत ही आनंद उर्धारत, मतलब वो इतना आनंद लेकर के, यानी कि जंग जो है सियार गीदड़ कौवा जंगली जानवर गली के कुत्ते जो उसको नोच नोच के बढ़िया स्वाद लेकर के आनंद से खा रहे हैं, वो स्थिति को देख करके आप में लगता है कि यार यहाँ से हट जाना चाहिए, यहाँ से भाग जाना चाहिए, और आप वहाँ से तुरंत हट जाते हो, भाग जाते हो, तो वहाँ पर जो कौन सी स्थिति बनती है? वहाँ पर स्थिति बनती है विभत्स रस की, और विभत्स रस का मतलब होता है जो गुप्सा या घृणा करना, यानी कि जब आप किसी से घृणा करते हो तो उस समय आप उस जानवर उस गीदड़ के प्रति घृणा करते हो कि यार ये कितना गंदा जानवर है, इसको मतलब मरे हुए जीव को खा रहा है, तो वहाँ पर जो आपके मन में भाव जगता है वहाँ पर कौन सा रस होता है? विभत्स रस। अगर अब दोस्तों अगले रस की बात की जाए तो आपका अगला रस होता है अद्भुत रस। अद्भुत रस और अद्भुत रस का मतलब होता है आश्चर्य। अद्भुत रस की अगर बात की जाए तो अद्भुत रस का मतलब होता है आश्चर्य, अर्थात दोस्तों आपने देखा होगा अगर बात की जाए तो श्री कृष्ण लीला की आप से बात अगर की जाए तो आपने श्री कृष्ण लीला में देखा होगा कि जब यशोदा जी यमुना नदी के किनारे जाती हैं यमुना नदी से जल लेने के लिए, तो वहाँ उस समय श्री कृष्ण को यमुना तट पर रोक देती हैं, यमुना तट पर रोक देती हैं, रोकने के बाद यमुना तट पर रोक देती हैं, यमुना तट पर रोकने के बाद वहाँ पर देखती हैं कि श्री कृष्ण जी जो छोटे से थे बाल लीला रच रहे थे, उस समय वो मिट्टी खा रहे होते हैं, मिट्टी खाते हैं, जब उनकी नज़र पड़ती है कि श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं तो कहते हैं कि कान्हा तू मिट्टी खा रहा है, तो उस समय कहते हैं नहीं माँ मैं मिट्टी कहाँ खा रहा हूँ, तो उस समय वो मिट्टी को कहते हैं कि नहीं माँ मैं मिट्टी नहीं खा रहा, तो कहते हैं अच्छा मुंह खोल के दिखाओ। सामान्यतया गांव जो छोटे बच्चे होते हैं वो मिट्टी की जो खुशबू होती है उसकी जो सुगंध होती है उसके प्रति मोहित हो जाते हैं और मोहित होकर के मिट्टी की सुगंध को खाने की चेष्टा रखते हैं, तो उस समय जब उसको मिट्टी को खाते हैं तो जब वो मुँह खोल के सोदा जी देखती हैं तो उस समय वो अचंभित हो जाती हैं। अचंभित होने का मतलब कि उनके मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थिति नज़र आती है, जब उनको संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थिति नज़र आती है तो उस स्थिति को देख करके वो वहीं पर मूर्छित हो जाती हैं।
तो अगर इसको काव्य के माध्यम से समझा जाए तो काव्य का मतलब होता है आश्चर्य होना। आश्चर्य होने का मतलब ये होता है जब आप किसी को देख करके आश्चर्यचकित हो जाओ। जैसे आप कभी आपको शौक लगता है ना, अरे ये कैसे हो गया, इसको नहीं होना चाहिए था। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में सुनते हो ना, जैसे तो आप उसको सुनते हो, अरे यार ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वहाँ पर जो उस समय स्थिति बनी, जो परिस्थिति बनी, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जो है आपका अगला रस जो है अद्भुत, यानी कि आश्चर्य। और आश्चर्य की बात करते हैं तो वही अगर काव्य के माध्यम से इसको समझते हैं तो काव्य का मतलब होता है कि देख यशोदा शिशु के मुख में, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की काया, भई अचेतन क्षण भर में हिल न सकी कोमल काया। मतलब वहाँ पर उन्हें आश्चर्य हो गया कि अरे अभी तो मैं इसको मिट्टी खाते हुए देख रही थी, और आज अभी जब ये छोटा बच्चा मेरा कान्हा मुँह खोला तो इसके मुख में मैं संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थिति को देख रही हूँ। मतलब इसके मुख में, छोटे से मुख में हमें संपूर्ण ब्रह्मांड, तीनों लोक हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा कैसा हो गया। तो वही जो है देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाती हैं, अद्भुत हो जाती हैं। तो वहाँ पर कौन सा रस होता है, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। तो आइए दोस्तों अद्भुत रस को समझते हैं। अद्भुत रस क्या होता है, तो अद्भुत रस को समझते हैं हम। तो दोस्तों अभी मैंने आपको अद्भुत रस बताया, और अद्भुत रस आप देख सकते हैं, अद्भुत रस का अगर अद्भुत रस की अगर बात की जाए तो इसका अस्थायी भाव जो होता है, अद्भुत रस का जो अस्थायी भाव होता है, अस्थायी भाव इसका होता है अद्भुत रस का विस्मय, विस्मय या आश्चर्य, विस्मय या आश्चर्य, ठीक है। अद्भुत रस का जो अस्थायी भाव होता है वो होता है विस्मय या आश्चर्य, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में, देख यशोदा शिशु के मुख में, शिशु के मुख में सकल विश्व की काया, सकल विश्व की काया, भई अचेतन क्षण भर में, भई अचेतन क्षण भर में हिल ना सकी कोमल काया। तो दोस्तों अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अद्भुत रस का स्थायी भाव जो होता है विस्मय आश्चर्य होता है, यानी कि हमेशा याद रखिएगा जो अद्भुत रस कभी कभी एग्जाम में बच्चों को फंसा देता है, फंसाने वाला काम करता है। अद्भुत रस की अगर बात की जाए तो इसका स्थायी भाव दो होता है, एक होता है विस्मय, दूसरा होता है आश्चर्य। तो आप दोनों को याद रखेंगे कि अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो विस्मय भी होता है और आश्चर्य भी होता है। तो इसमें कभी आप कन्फ्यूज न होना और इसको अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में विस्मय या आश्चर्य, विस्मय पूछेगा या आश्चर्य पूछ लेगा, ठीक है। तो इसमें बच्चे अधिकतम क्या करते हैं, एक ही अस्थायी भाव याद करते हैं। तो आप एक अस्थायी भाव नहीं याद करेंगे, आप दोनों अस्थायी भाव याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन बनता है इस तरीके से कि विस्मय किस रस का स्थायी भाव है, या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है, या अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन पुटअप होता है। और एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की काया, मतलब एक छोटे से शिशु के मुख में सकल विश्व की काया, तीनों लोकों, तीनों लोकों की जो है चारों भुवनों को देख करके, ठीक है, अचेत हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं कि ऐसे कैसे हो गया, एक छोटे से शिशु के मुख में ऐसे कैसे हो गया। तो यहाँ पर जो बात की हो जाती है अद्भुत रस की, इस तरीके से होता है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की काया, भई अचेतन क्षण भर में हिल न सकी कोमल काया। और दोस्तों अब जिस रस की बात की जा रही है, अब जिस रस की बात मैं करूँगा कि वो आपका रस कहलाता है शांत रस। अगर मैं आपको बता दूँ शांत रस, यही वो शांत रस है जिस रस को भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कोई स्थान
नहीं दिया, अपने ग्रंथ में कोई इसका स्थान नहीं दिया। तो शांत रस की बात करते हैं तो इसका स्थायी भाव जो होता है वो निर्वेद होता है, ठीक है। तो शांत रस को देखते हैं, शांत रस को समझते हैं, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। तो दोस्तों बात करते हैं शांत रस की। शांत रस का अगर यदि स्थायी भाव जाना जाए तो शांत रस का स्थायी भाव होता है, शांत रस का स्थायी भाव होता है शम, सम और निर्वेद, सम और निर्वेद। शांत रस का जो स्थायी भाव अगर बात की जाए तो शांत रस का स्थायी भाव होता है सम और निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों। तो अगर बात की जाए आगे, तो यही वो रस है जिस रस को भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में कोई स्थान नहीं दिया, कोई स्थान नहीं दिया, कोई स्थान नहीं दिया। यही वो रस है जिस रस को भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में कोई स्थान नहीं दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल है कि पहला एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं कि जब मैं था तब हरि नहीं, पहला एग्जाम्पल जब मैं था तब हरि नहीं, हरि नहीं, अब हरी है मैं नाही। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा मिट गया, सकल देखा नाही, सकल देखा नाही। मतलब अगर बात की जाए शांत रस की, तो शांत रस का स्थायी भाव होता है समनिर्वेद। अगर एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझा जाए तो एग्जाम्पल कहा जा रहा है कि मतलब यहाँ पर कभी अपने आप में एक सोच रहा है कि जब मैं था तब हरी नहीं, अर्थात जब मैं था तब हरी नहीं थे, अब जब हरी हैं तो मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो वह अपने आप को धिक्कारता है, अपने आप को कोसता है कि कैसी जिंदगी है, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, सकल देखा नाही, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कौन सा रस होगा? इस तरीके से यहाँ पर शांत रस होगा। दूसरा अगर एग्जांपल देखा जाए दोस्तों सॉन्ग के माध्यम से, तो सॉन्ग है आपका कि सॉन्ग है सॉन्ग्स दूसरा को एग्जांपल बताते हैं फिर सॉन्ग्स बताते हैं। दूसरा एग्जांपल है मन रे तन कागद का पुतला, मन रे तन कागद का पुतला, कागद का पुतला, मन रे तन कागद का पुतला। तो इसमें जो अगर रस की बात की जाए तो इसमें शांत रस की बात कही जा रही है कि इसमें शांत रस है। मन रेतन कागद का पुतला ये कबीर जी की रचना है, और इन्होंने कहा था कि मन रेतन कागद का पुतला है, जो हमारा मन है ये कागद की तरीके से है, कागज जैसे कागज का पुतला होता है, आंधी आती है उड़ जाता है, हवा चलती है उड़ जाता है, तो उसी तरीके से हमारा ये जो मन है, ये जो हमारी आत्मा है, ये उड़ती रहती है, चलती रहती है, ठीक है। और सॉन्ग्स के माध्यम से बात करते हैं तो सॉन्ग्स आपको बता दें, ए गलियां, सॉन्ग्स आपने सुना होगा, ए गलियां ए चौबारा यहाँ आना ना दोबारा, ए गलियां ए चौबारा यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो बे परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, ए गलियां ए चौबारा यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भय परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। तो इस प्रकार से दोस्तों आई होप कि आपको शांत रस भी समझ में आ गया होगा।
इस तरीके से आपको शांत रस भी समझ में आ गया होगा कि ये गलियां है चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भय परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं। यहाँ पर मतलब एक जो नायिका अपने नायक से बिछुड़ जाती है, तो बिछुड़ने के बाद जब वो गाना गाती है तो एक अपने आप को धिक्कारती है कि मैंने किससे प्यार किया जो मुझको हासिल ना कर सका। ठीक है, तो यहाँ पर वो सॉन्ग्स करती है, गाती है कि ये गलियाँ है चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपके नौरस की बात कही जाती है और इन्हीं रसों को नौरस कहा जाता है। परंतु बाद के अन्य आचार्यों ने दो अन्य रसों की व्युत्पत्ति की खोज की, और वो दो रस जो कहलाते हैं, पहला होता है दसवां जो रस होता है वो कहलाता है आपका वात्सल्य रस, और ग्यारहवां जो रस कहलाता है वो आपका कहलाता है भक्ति रस। तो वात्सल्य रस को भी समझते हैं और भक्ति रस को समझते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वात्सल्य रस और भक्ति रस ये दोनों श्रृंगार रस से रिलेटिव रखते हैं, संबंध रखते हैं, इसलिए इन रसों को किसमें समाहित किया गया है, इन रसों को श्रृंगार रस में समाहित किया गया है। तो समझते हैं हम वात्सल्य रस को कि वात्सल्य रस क्या होता है। तो दोस्तों बात करते हैं वात्सल्य रस की। वात्सल्य रस का अगर यदि बात की जाए अस्थाई भाव की, तो वात्सल्य रस का अस्थाई भाव होता है, वात्सल्य रस का अस्थाई भाव होता है वात्सल्य रति। वात्सल्य रति इसका अस्थाई भाव होता है। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव अगर बात की जाए तो वात्सल्य रस का होता है स्थाई भाव, वात्सल्य रति होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रति शब्द आ जाता है, वात्सल्य रति आ जाता है। वात्सल्य रति का मतलब, वात्सल्य का मतलब होता है प्रेम करना, वात्सल्य का मतलब होता है प्रेम करना, यानी कि जब आप किसी से प्यार करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेम करना जो होता है वह वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। अगर इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा जाए तो एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। एक गाना बना था, गाना है छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल समझा जाए तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल जो दोस्तों आपको ले चलते हैं, थोड़ा सा उसमें श्री कृष्ण लीला में ले के चलते हैं। तो श्री कृष्ण लीला में जब श्री कृष्ण भगवान बचपन में बहुत नटखट थे, बहुत शरारत किया करते थे, तो उनको क्या करते थे उनको उनकी माता जो यशोदा थी, यशोदा माँ उनको बार बार बांध देती थी। तो जब उनको बार बार बांध देती थी तो आंगन में क्या करते थे, बंधे रहते थे। ठीक है, और उसके बाद शरारत करना छोड़ते थे। फिर जब उनको खोलते थे तो फिर वही शरारत करना शुरू कर देते थे। तो क्या करते वही अपने घर के आंगन में जो थे घुटनों के बल चलते थे। ठीक है, तो घुटनों के बल, तो ऐसी स्थिति को देख करके मतलब श्री कृष्ण का ऐसा व्यवहार देख करके कभी यशोदा को उनके ऊपर गुस्सा आता, कभी उनको इतना मतलब प्रेम उमड़ता घुमड़ता, कि उनको प्यार करने की इच्छा होती। तो कहने का मतलब यहाँ पर कि उनको देख करके कभी तो उनको गुस्सा करने का मन कर रहा जब वो शरारत करते थे, और कभी उनकी बातों को सुन करके, कभी उनकी बातों को, उनकी शरारतों को देख करके उनको हंसी आती थी, उनको मतलब प्यार करने की इच्छा होती थी। तो वहाँ पर कौन सा रस होता था, वहाँ पर वात्सल्य रस होता था। तो इसका एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, इसका एग्जाम्पल है किलकत कान्ह घुट रुवन आवत किलकत कान घुट रुवन आवत। तो यहाँ पर छोटे से कान्हा जो है घुटनों के बल से किलकते हुए यानी कि रूंधते हुए वो अपनी माँ के पास आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को देखकर यशोदा के मन में उनके प्रति प्रेम करने की भावना जगती है। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा, यहाँ पर वात्सल्य रस होगा। अब
बात करते हैं, ये आपका वात्सल्य रस कौन सा रस कहलाता है, आपका दसवां रस कहलाता है वात्सल्य रस। अब बात करते हैं गिरामय रस की, तो जो आपका गिरामा रस होता है वो आपका गिरामा रस होता है भक्ति रस, भक्ति रस होता है। और इस भक्ति रस का जो स्थायी भाव होता है वह प्रेम होता है, ठीक है, वात्सल्य होता है, प्रेम होता है। तो इस प्रेम, तो दोस्तों बात करते हैं भक्ति रस की, आपका भक्ति रस कहलाता है, भक्ति रस की अगर बात की जाए अस्थाई भाव की, तो भक्ति रस का जो अस्थाई भाव होता है, भक्ति रस का जो स्थाई भाव होता है आप प्रेम भी कह सकते हैं, यानी कि आपको ईश्वर के प्रति प्रेम होता है और आप ईश्वर के नाम जपते हैं, ठीक है। तो अस्थाई भाव आप इसमें कह सकते हैं भगवद, भगवद विषयक रति, भगवद विषयक रति या अनुराग, अनुराग, ठीक है। तो अस्थाई भाव अगर भक्ति रस की बात की जाए तो अस्थाई भाव होता है भगवत विषयक रति या अनुराग, मतलब कि आपको ईश्वर के प्रति निष्ठा होती है, उनके प्रति भावनाएं होती हैं, ठीक है, तो आप उनसे उनकी भक्ति करते हो, तो उनकी भक्ति यहाँ पर जो आपको लाती है वो आपको, यानी कि ईश्वर की जो मूरत होती है, ईश्वर की जो लीलाएँ होती हैं वो आपको भा जाती हैं। तो यहाँ पर जो आपका रस चल रहा है वो आपका भक्ति रस होता है, आप ईश्वर की भक्ति करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप ईश्वर की भक्ति करते हो तो वहाँ पर आपके मन में कौन सा भाव जगता है, अस्थाई भाव होता है भगवत विषयकृति या अनुराग की बात होती है। अगर इसका नाम, अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो तुलसीदास जी की एक रचना है, उसमें उन्होंने कहा है कि राम जपू, राम जपू, राम जपू, राम जपू बांवरे, राम जपू, राम जपू, राम जपू, राम जपू, राम जपू बांवरे, घोर भव नीर निधि, घोर भव नीर निधि, नाम निज, नाम निज नाव रे। तुलसीदास जी की एक रचना है, उन्होंने अपनी रचना में कहा था राम जपू, राम जपू, राम जपू रामवरे बांवरे, घोर भव नीर निधि, नाम निज नावरे। वैसे दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जैसे तुलसीदास, कबीरदास, रसखान बिहारी और मीरा, इन्होंने हमेशा जो है भक्ति रस में ही अपनी रचनाएं की हैं और इनकी अधिकतम रचनाएं आपको भक्ति रस में ही मिलती हैं। और इन्होंने हमेशा कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा के प्रति इन्होंने अपने काव्य को लिखा हुआ है। तो इनकी जो अधिकतम रचनाएं मानी जाती हैं वह अधिकतम रचनाएं भक्ति रस के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने भक्ति रस के माध्यम से अपना इन्होंने विवेचना किया है कि राम जपू, राम जपू, राम जपू बांवरे, मतलब सुबह शाम दिन के आठों पहर वो राम के नाम में इतना व्यस्त हो गए हैं, इतना मतलब अपने आप को उनके नाम में रमा लिए हैं कि उनके नाम के आगे उन्हें कोई और दूसरा नाम सूझ नहीं रहा है, उनका नाम ही उन्हें जो है सूझ रहा है, उन्हीं का नाम बार बार अपने मन में जप रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका भक्ति रस होता है और मन होता है वात्सल्य, वात्सल्य और भक्ति रस, गिरामा रस होता है भक्ति रस, यही वात्सल्य रस और भक्ति रस इन्हीं को दोनों को जोड़ करके किस में रखा गया है, श्रृंगार रस में रखा गया है, श्रृंगार रस में रखा गया। क्यों श्रृंगार रस में रखा गया है, इसलिए रखा गया है श्रृंगार रस और भक्ति रस दोनों को जोड़ करके श्रृंगार रस में इसलिए रखा गया है क्योंकि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है दोस्तों रति, अस्थाई भाव होता है रति या प्रेम। और मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि वात्सल्य का भी जो होता है वात्सल्य रति और भक्ति रस का भी भगवत विषयक रति या अनुराग होता है। तो यहाँ पर दोनों का स्थायी भाव, वात्सल्य का और भक्ति का दोनों का स्थायी भाव रति आने के कारण इसलिए इन दोनों सबको, इन सबको किसमें रखा गया, श्रृंगार रस में रखा गया, यानी कि वात्सल्य रस और भक्ति रस दोनों में किसकी बात कही जाती है, किसकी बात कही जाती है दोस्तों, प्रेम की बात कही जाती है। किसकी बात कही जाती है, प्रेम की। और प्रेम की बात किस में होती है सदैव, प्रेम की बात सदैव श्रृंगार रस में होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका पूरा रस
समाप्त होता है। इस रस को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश मैंने की है सॉन्ग के माध्यम से, काव्य के माध्यम से, कि आई होप आपको रस अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्लास की ओर, अगला क्लास आपको पढ़ाते हैं, तब तक के लिए